श्री विष्णु पुराण पांचवा अध्याय अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव ऋषि पुत्रगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा था, तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उन महात्मा से प्रथम तम अर्थात अज्ञान, मोह, महामोह अर्थात भोगेच्छा, तामिस्त्र अर्थात क्रोध और अंधतामिस्त्र अर्थात अभिनिवेश नामक पंच पर्वा पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उनके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नागादि वृक्ष गुल्म लता वृत्त तृण रूप पांच प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नागादि को मुख्य कहा गया है, इसीलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसीलिए तिर्यक स्त्रोत कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रायः तमोमय अज्ञानी विवेक रहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी अभिमानी 28 वधों से युक्त आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ, वह उद्धर्व स्त्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे उद्धर्व स्त्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाहरी और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा ब्राह्मी और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त भगवान ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्त्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए वे अर्वाक स्त्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसीलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाहरी आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे, उनमें महत्त्व को भगवान ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो ऐन्द्रिक अर्थात इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। पांचवा जो तिर्यक स्त्रोत बतलाया, उसे तिर्यक अर्थात कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग उद्धर्व स्त्रोताओं का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात सातवां सर्ग अर्वाक स्त्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है।
आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये पांच वक्रत अर्थात विकारी सर्ग है और पहले तीन प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। नवा कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत नौ सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्रह्मन, भगवान ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत चार प्रकार की सृष्टि हुई, वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता असुर पितृगण और मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्ति चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनके जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे देव, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्वरूप दिन हुआ, इसीलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही उस दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उससे रजह प्रदान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसीलिए हे मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितृ बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि दिन प्रातः काल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा भगवान ब्रह्मा जी से शुद्धा उत्पन्न हुई और शुद्धा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर शुद्धाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी की ओर उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनके इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर भगवान ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदंतर जगत रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्राणियों की रचना की। वे कपीश अर्थात कालापन लिए हुए पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसीलिए गंधर्व का है।
इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्षस्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गांव, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और मयंकु आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही भगवान ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं श्वापद अर्थात व्याघ्र आदि, दो खुर वाले अर्थात वन गाय आदि, हाथी, बंदर और पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम अर्थात पूर्व मुख से भगवान ब्रह्मा जी ने गायत्री, त्रक, त्रिव्रत, सोम, रथंतर और अग्निस्तोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्टुप, छंद, पंचदश स्तोम, बृहत्साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती, छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विंशति स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोयरमान, अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्हीं में कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। सी सुरक्षा शक्ति सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृजन शक्ति अर्थात सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में पांचवा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।